ओम गणपते नमः गणेशाय नमः। दोस्तों सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं एरिस साइन 14 जनवरी 2022 8:33 AM। एरिस साइन मेष राशि, सूर्य की उच्च राशि है। सूर्य का एक महीने के लिए गोचर सभी को काफी शुभ रिजल्ट देता है। सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा इसके बारे में हम जानेंगे। सूर्य को आत्मकारक, सोल, किंग, कंट्रोलर ऑफ ऑल प्लैनेट्स माना जाता है, बिकॉज सोलर सिस्टम है। सभी जो प्लैनेट्स हैं सूर्य से पैदा हुए हैं, सूर्य से ही अपनी एनर्जी लेते हैं। सूर्य जब अपनी एग्जॉल्टेशन साइन में आएगा तो सभी राशियों के ऊपर शुभ प्रभाव देगा। आप जानते हैं सूर्य लियो साइन को कंट्रोल करते हैं, एरिस साइन इसका एग्जॉल्टेशन साइन है और लिब्रा साइन इसका डेबिलिटेशन साइन है। जिस समय सूर्य ने अभी ट्रांजिट किया है उस समय ग्रहों की क्या पोजीशन है वो चार्ट में आपके सामने है। सूर्य 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जिस समय राशि परिवर्तन हुआ है। टॉरस साइन की कुंडली बनती है सूर्य बुध राहु 12th हाउस में, जुपिटर 11th में, वीनस मार्स 10th में, सेटर्न 9th में, चंद्रमा 4th में, केतु 6th में। तो हम जानेंगे हर राशि के अनुसार क्या रिजल्ट रहेंगे। पहले जाने एरिस साइन मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्य 5th हाउस के लॉर्ड है, ट्रांजिट करेंगे लगन में। फर्स्ट हाउस आप जानते हैं सेल्फ पर्सनैलिटी, और उच्च का सूर्य लगन में बैठना जातक के लिए काफी पॉजिटिविटी, नेम, फेम, अथॉरिटी, पावर, गुड हेल्थ, गुड फॉर चिल्ड्रन, गुड फॉर एनी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी काम उसके अंदर भाग्य सपोर्ट करता है। गुड इन प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, सरकार से, हायर अथॉरिटी से फेवर, बॉसेस से फेवर, फादर सपोर्ट करेंगे। जो कॉन्फिडेंस आप पिछले कुछ समय से लूज कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस आपका वापस आएगा, मगर इसके साथ में काफी ज्यादा ईगो, अथॉरिटी बढ़ जाती है जिससे लोग दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो सकती है। खर्चे बढ़ेंगे मगर साथ में इनकम भी बढ़ेगी, ट्रेवल होगा एजुकेशन के रिलेटेड, घूमने फिरने के लिए और फैमिली और बच्चों के साथ। एरिस साइन के लिए काफी अच्छे रिजल्ट देने वाला है ये सूर्य का ट्रांजिट। बात कर ले टॉरस साइन की। टॉरस साइन में सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड है, ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में। 4th हाउस आप जानते हैं सिग्निफाई करता है आपकी इमोशंस, मदर, केयर, कंफर्ट, होम, लग्जरीज, प्रॉपर्टी, और इनका जो सिग्निफिकेशन जा रहा है 12th हाउस में। 12th हाउस में कोई प्लैनेट का गोचर हो तो हम उसको अच्छा नहीं मानते, मगर जब सूर्य एग्जॉल्टेशन में जाता है या कोई भी प्लैनेट एग्जॉल्टेशन में जाता है तो उसके रिजल्ट शुभ हो जाते हैं। अब खर्चा करेंगे, खर्चा किस पे करेंगे, घर पे खर्च कर सकते हैं, फॉरेन जाने के लिए कर सकते हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, नया घर खरीद सकते हैं, नई लग्जरीज की आइटम खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जो लोग फॉरेन कंट्री के साथ डील कर रहे हैं वो लोग अच्छा कमा सकते हैं, कोई जो लोग एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं, कोई फॉरेन कनेक्टेड फर्म के साथ है उनकी इंक्रीमेंट लग सकती है, प्रमोशन हो सकती है, नया कॉन्ट्रैक्ट बड़ा मिल सकता है। मदर की हेल्थ के अंदर जरूर कुछ इश्यूज रह सकते हैं। जो लोग अनमेरिड हैं उनको हो सकता है कोई वर्क प्लेस के अंदर कोई अपना मैच मिल जाए, मगर जो मैच मिलेगा फादर लड़की के हो या लड़के के हो वो उस मैच को अपोज करेंगे। कुछ काम के रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। जो लोग कुछ कोर्ट केस के अंदर फंसे हुए हैं करप्शन चार्जेस के अंदर उनको उसमें कुछ रिलीफ मिल सकता है। सो बात कर ले जैमिनी साइन मिथुन राशि। सूर्य अभी यहां पे स्वामी है तीसरे घर के और ट्रांजिट करेंगे 11th हाउस में।
अच्छा कॉम्बिनेशन है। तीसरा घर आपकी मेहनत का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, सिबलिंग, ट्रिप्स, ट्रेवल्स, एंटरप्रेन्योरशिप। और जाएगा कहाँ पे? इलेवेंथ हाउस में। इलेवेंथ हाउस क्या है? ये हाउस ऑफ गेन्स है, हाउस ऑफ इनकम है, डिजायर है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, सिबलिंग्स है, सोशल नेटवर्क है। सो फर्स्टली इस पीरियड के अंदर आप अपने भाई बहनों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने पुराने दोस्तों के साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा। आप अपनी मेहनत से, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से, कम्युनिकेशन से, ट्रैवलिंग से, उनके अंदर जिस वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो, जिस मकसद से वो आप काम कर रहे हो, उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे अभी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर लिखा है, इच्छाओं की पूर्ति लिखी है। सूर्य का ट्रांजिट इलेवेंथ हाउस में बहुत अच्छा समझा जाता है। जातक का सोशल सर्कल के अंदर नेटवर्क इंप्रूव होगा, उसके जो रिलेशनशिप है उसके पब्लिक के अंदर इंप्रूव होंगे, उसको कोई हायर सर्कल्स के अंदर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्टैक्ट मिल सकता है जो कि उसके लिए आगे चलने के लिए ठीक हो। कॉन्टैक्ट कहाँ से मिलेगा? आपका कोई भाई है, दोस्त है, उसने आगे किसी के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया और वो कॉन्टैक्ट आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। जो लोग फॉरेन ट्रिप, जॉब, एजुकेशन के लिए ढूंढ रहे हैं उनको उसमें सफलता मिल सकती है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उसको सफलता मिल सकती है। अगर कोई जॉब आती है तो उसको ऑफर को अवॉइड ना करें, उसको एक्सेप्ट कर लें। बात कर लें कैंसर साइन की। कैंसर साइन सन सेकंड हाउस का लॉर्ड है, ट्रांजिट करेगा टेंथ हाउस में। सेकंड हाउस क्या होता है? आपकी फैमिली, परिवार, आपका बोलचाल, आपकी वेल्थ, स्पीच। टेंथ हाउस आपका कैरियर, वर्क प्लेस, प्रोफेशन, नेम, फेम, फादर, वो जगह जहां पे आप काम करते हैं। सो इस पीरियड के अंदर जातक को प्रोफेशन में बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि पैसे के साथ कनेक्शन है। पैसा आना है, कहां से आएगा? जॉब से आएगा, बिजनेस से आएगा, प्रमोशन से आएगा, इंक्रीमेंट से आएगा। और उसके अंदर रिलेशन कहां पे आ गया? हो सकता है कोई फैमिली मेंबर उसके अंदर सपोर्ट करे, कोई ज्वाइंट फैमिली वेंचर हो, उसके अंदर आपको बेनिफिट मिल जाए। सो आपको बिजनेस में, जॉब में फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट मिल सकती है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पैसे में बढ़ोतरी होगी, अच्छी डील्स मिलेंगी और सरकार की तरफ से आपको बेनिफिट मिल सकता है। बात कर रहे हैं लियो साइन की। सिंह राशि, सिंह है, राजा है, और अभी फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा। फर्स्ट हाउस आपकी ईगो, सेल्फ अथॉरिटी, पावर, पर्सनैलिटी, और नाइन्थ हाउस क्या है? आपका भाग्य। आप उठ के अपने भाग्य स्थान में चले गए, हायर एजुकेशन के घर में चले गए, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, लॉन्ग ट्रेवल्स। तो आप सोचे भाग्य इस बार आपके साथ है, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी भाग्य की। भाग्य की सपोर्ट क्या होती है? जो मैंने सोचा नहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया, कहीं काम में दिक्कत आ रही थी, किसी ने थोड़ा सा पुश किया और काम हो गया। सो जो आप प्लान कर रहे हैं उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। फादर की तरफ से सपोर्ट रहेगा, सरकार की तरफ से सपोर्ट रहेगा। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, बाहर का मतलब ये नहीं कि आपने अमेरिका, कनाडा हर समय जाना है, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जहाँ पे खाना पीना रहना थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि सूर्य राहु के साथ भी है। कोई रिलीजियस प्लेस की यात्रा कर सकते हैं, जॉब प्रोफेशन के लिए यात्रा कर सकते हैं। हेल्थ का, फाइनेंसेस का ख्याल रखें क्योंकि फाइनेंसेस कुछ बड़े हुए होंगे। दोस्तों वर्गो, कन्या राशि, कन्या राशि सूर्य ट्वेल्थ हाउस के लॉट है, ट्रांजिट करेंगे एट्थ हाउस में। ट्वेल्थ हाउस क्या होता है? हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, खर्चा, लॉस, एक्सपेंडिचर, फॉरेन, हॉस्पिटल्स। और कहाँ ट्रांजिट करेंगे? एट्थ हाउस में। एक विपरीत राजयोग बनता है, अपने एग्जॉल्टेशन साइन में है,
इसलिए नुकसान की चिंता मत करें, क्योंकि शुरू में हो सकता है आपको लगे नुकसान है, मगर बेनिफिट होगा। एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस इज हिडन हाउस, वो चीजें जहां पे हमारी चीजें गुम हो जाती हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, मगर एक्सर्टेशन की वजह से आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। जिनके मेडिकल इश्यूज हैं, कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, वो रिकवरी कर सकते हैं कुछ अनकन्वेंशनल ट्रीटमेंट से, जैसे कि ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा एलोपैथी की बजाय, हो सकता है आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी या किसी और नए सिस्टम में जाना पड़े। जो लोग मेडिटेशन में है, स्पिरिचुअलिज्म में है, उनको हो सकता है कोई गुरु मिले जो उनको नए रास्ते पे लेके जाए। ओकल्ट स्टडीज के अंदर उनका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। लाइफ के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नजर आता है, कहीं कहीं मेजर चेंजेस नजर आते हैं, कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है। हो सकता है वसीयत से हो, कोई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो जाए। फादर की हेल्थ थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है, अननेसेसरी ट्रेवल से बचे। अनमैरिड फीमेल्स के लिए पीरियड कुछ पॉजिटिव है, दे मे फाइंड ए मैच। बात कर ले लिब्रा साइन की, तुला राशि, सन हमें लॉर्ड है 11th हाउस के, ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस में। 11th हाउस आपका हाउस ऑफ इनकम, गेन्स, डिजायर, सिबलिंग, सोशल नेटवर्क। 7th हाउस आपका पार्टनरशिप, मैरिज, बिजनेस, पब्लिक के अंदर आपकी इमेज, रेपुटेशन। तो जब तक अपनी मेहनत से, अपनी एफर्ट से, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से, ट्रेवलिंग से, वो अपने नाम शोहरत कमाएगा, गेन्स होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। इच्छाओं की पूर्ति का कनेक्शन कहां पे आ गया? अभी हाउस ऑफ मैरिज में आ गया। तो जब हाउस ऑफ मैरिज में इच्छाओं की पूर्ति का कनेक्शन आ जाए, तो आप समझे कि जो अनमैरिड लोग हैं उनके लिए एक प्रोबेबिलिटी बनती है शादी होने की। जो लोग बिजनेस, ज्वाइंट बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोबेबिलिटी बनती है एक ज्वाइंट बिजनेस की। दोस्तों, आपकी इमेज इंप्रूव होगी। सन जो है, सन राहु 7th हाउस में कहीं पे गुस्सा दिला देते हैं, एंगर दिला देते हैं, ईगो बढ़ा देते हैं। सो जो लोग मैरिड है, बिजनेस में पहले से है, कोशिश करें अपनी ईगो को, अपनी अथॉरिटी को, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। बात कर ले स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो साइन सूर्य लॉर्ड है 10th हाउस के, ट्रांजिट करेंगे 6th हाउस में। 6th हाउस क्या होता है? 6th हाउस होता है रोग, रिपु, रिम, यानी कि डिजीज, एनिमी एंड डेट। ये हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन है, सर्विस है, जॉब है। सूर्य का 6th हाउस में प्लेसमेंट, वो भी एग्जॉल्टेड पोजीशन में, बड़ा एक स्ट्रांग एज देता है। इस पीरियड में आप अगर अपने एनिमीज, दुश्मनों से डील करते हैं, तो आप समझेंगे कि आप विजयी रहेंगे। जो लोग जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहेंगे, वो कॉम्पिटिशन में सक्सेस होंगे। अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, उसके अंदर आप विजयी रहेंगे। सो आप अपने दुश्मनों को कंट्रोल कर सकेंगे, जॉब के अंदर, प्रोफेशनल फ्रंट के अंदर आपको सफलता मिल सकेगी, और जॉब चेंज करने का टाइम आ गया है। अगर जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उनको सफलता मिलेगी। अगर कोई लीगल केस है इस पीरियड के अंदर, सरकार या जज आपको फेवर करेगी। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि सूर्य लॉर्ड है 9th हाउस के, ट्रांजिट करेंगे 5th हाउस में। भाग्य का देवता 5th हाउस पूर्व जन्म पुण्य पे आ गए। 5th हाउस हाउस ऑफ एजुकेशन, लव, रोमांस, प्लेजर, रिलेशनशिप, चिल्ड्रन, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी और मेडिटेशन, मंत्र साधना। 9th हाउस भाग्य का देवता, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिज्म, लॉन्ग ट्रेवल। सो इस गोचर के दौरान आपका भाग्य आपका साथ देगा।
फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेशन के लिए आपको अनएक्सपेक्टेड अननोन सोर्स से हेल्प मिल सकती है। प्रोफेशनल फ्रंट पे भाग्य आपका साथ देगा, जातक का नाम शोहरत बढ़ेगी, जॉब प्रोफाइल के अंदर चेंज हो सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी, बच्चों के मामले में, एजुकेशन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में उसको सफलता मिल सकती है। मगर यहाँ पे अपनी ईगो को, अग्रेशन को कंट्रोल में रखें। जातक के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको इस पीरियड में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कैप्रिकॉन साइन, सूर्य लॉर्ड है एट्थ हाउस के, ट्रांजिट करेंगे फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस होता है हाउस ऑफ इमोशंस, लग्जरीज, कंफर्ट, मदर, प्रॉपर्टी। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, सो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। हो सकता है घर चेंज करें, प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चेंजेस आए, कोई लग्जरी की आइटम चेंज करें। प्रॉपर्टी अगर आप बेचना खरीदना चाहते हैं तो पीरियड सही है। मदर की हेल्थ का ख्याल रखें, प्रोफेशनली ये पीरियड अच्छा रहेगा। आपको अपने वर्क प्लेस के अंदर कुछ प्रमोशन, सपोर्ट, इंक्रीमेंट मिल सकती है। जॉब के अंदर भी चेंजेस इस पीरियड में नजर आते हैं। बात कर लें एक्वेरियस साइन कुंभ राशि की। कुंभ राशि, सूर्य सेवंथ हाउस के लॉर्ड ट्रांजिट करेंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, सिबलिंग, ट्रिप्स, ट्रेवल्स, एंटरप्रेन्योरशिप और आपकी मेहनत, आपकी बाजुएं। सेवंथ हाउस पार्टनरशिप, मैरिज, इमेज इन पब्लिक, रेपुटेशन। सो इस पीरियड के अंदर आप देखिए सेवंथ हाउस का लॉर्ड, पार्टनरशिप का लॉर्ड, मैरिज का लॉर्ड, बिजनेस का लॉर्ड आपकी मेहनत पे आ गया। अब सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं विद इन टाइमलाइन, अपनी मेहनत से, कम्युनिकेशन से नया बिजनेस, ज्वाइंट वेंचर शुरू कर सकते हैं। शादी के अंदर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आपको अपने पार्टनर्स का सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उसकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। बात कर लें पाइसेस साइन की। मीन राशि, सूर्य सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड ट्रांजिट करेंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस फैमिली, स्पीच, वेल्थ। सिक्स्थ हाउस रोग रिपु ऋण, तो आपके कंपटीशन का स्वामी, रोग रिपु ऋण का स्वामी सेकंड हाउस में आ गया। सो खर्चा होगा। खर्चा कहाँ पे होगा? इन चीजों पे खर्चा होगा, डिजीज, एनिमी एंड डेट पे। यानी कि आप अपनी ईएमआई क्लियर कर सकते हैं, अपने लोन्स क्लियर कर सकते हैं और उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। कोई हेल्थ इश्यूज है उस पर खर्चा होगा, मगर आपके जो रिकवरी है उसके अंदर रिकवरी हो जाएगी। जॉब एवेन्यूज अभी यहां पे भी बनते हैं, कुछ इंक्रीमेंट हो सकती है जो कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ा दे। फैमिली मैटर्स या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के अंदर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, ये तो था सभी राशियों के ऊपर सूर्य के गोचर का प्रभाव। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। याद रखें एक जनरल प्रेडिक्शन रहता है, एक्चुअल रिजल्ट वेरी करते हैं। आपके अपने चार्ट में ग्रहों की क्या पोजीशन है, कौन सा प्लेनेट किस जगह पे बैठा है, आपस में ग्रहों का बलाबल, एक दूसरे के ऊपर एस्पेक्ट, डिग्रीज, दशा, अंतरदशा। आपके लिए गोचर शुभ रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। हमसे जुड़े रहे, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमको मोटिवेशन के लिए इन वीडियोस को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।